Hello students, welcome to Tapovan Group of School. My name is Rajput Moni. We are going to Standard 8 subject maths, chapter number 10, Visualizing Solid Shapes. तो यहाँ पर आपका चैप्टर का नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप. आपके जो सॉलिड शेप्स है उसे आप कैसे विजुअलाइज करते हो, कैसे देखते हो, उस चैप्टर में हमें देखना है. तो इस चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग जो भी शेप्स की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी वाटर बॉटल, कोई बॉक्स, तो वो कैसे आप अलग अलग व्यू से देखते हो, तो कैसे दिखाई देता है वो चीज़ है. अगर आप किसी चीज़ को सीधा देखते हो तो आपको अलग तरीके से दिखती है, और वो कोई और दूसरी साइड से देखेगा तो वो अलग दिखती है. तो वो इस चैप्टर के अंदर आपको विजुलाइज करना है कि एक ही चीज़ को हम अलग अलग तरीके से कैसे देखते हैं और वो कैसे शेप में दिखती है. तो हम इस चैप्टर में वही डिस्कस करने वाले हैं और वही पढ़ने वाले हैं. तो इसी रिलेटेड हमें पहला एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 10.1, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है. तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा. फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड टू व्यूज आर गिवन, मैच द फॉलोइंग कॉरस्पॉन्डिंग टॉप एंड फ्रंट व्यू, द फर्स्ट वन ऑफ डन फॉर यू. अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी हुई है, उसका हमें साइड व्यू और टॉप व्यू दिया हुआ है. अगर आप उसे साइड से कोई चीज़ रखते हो तो वो कैसा दिखता है, अगर उसे ऊपर से देखते हो तो वो कैसा दिखता है, उसका शेप चेंज होता है, तो वो हमें बताना है कि कैसा दिखेगा. डन, हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पिक्चर है हमारी बॉटल की है. अगर हम बॉटल को साइड से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, लेकिन उसको ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा राउंड सा दिखेगा, एक ऊपर राउंड है एक नीचे, पर ये हमें साथ में दिख रहा है, राइट. तो ये ऐसा कुछ हमें व्यू दिखता है, यानी फर्स्ट का आंसर है थर्ड, और थर्ड के साथ कौन सा आएगा, फोर्थ. डन, तो आपको इस तरह से विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स को देखना है और बताना है. सेकेंड है वेटिंग वाला है, उसका देखने पे कैसा दिखेगा वो हम देखते हैं. तो फर्स्ट सेकंड वाले का फर्स्ट की तरह दिखेगा, अगर आप साइड से देखोगे तो ऐसा कुछ बॉक्स जैसा दिखेगा आपको, राइट. ऐसे शेप में होता है वो, पेंटागन या हेक्सागन टाइप के, तो वो आपको सिर्फ यही दिखेगा आप साइड से देखोगे तो, राइट. और अगर उसको आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, क्योंकि ऊपर केजी लिखा होता है, तो यहाँ पे केजी लिखा हुआ है, और फिर ऊपर से पेंटागन या हेक्सागन का शेप दिखेगा आपको, राइट. तो इस तरह का कुछ व्यू दिखेगा आपको वेटिंग का, राइट. तो इस तरह से आपको लिखना है, और मैच द फॉलोइंग में आपको मैच नहीं करना है. फर्स्ट का बी का आंसर फर्स्ट, फिर फर्स्ट का क्या होगा फिफ्थ, वो आपको लिखना है, ये मैच आपको नहीं करना है. फिर है, फिर से एक बॉटल है. तो अब इस बॉटल का शेप कैसा दिखेगा, तो फर्स्ट थिंग है कि हम साइड से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ऐसे बॉटल सिर्फ दिखेगी, ऊपर से पता नहीं चलेगा, ये व्यू दिखेगा. और अगर आप साइड से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, उसकी डोरी आपको कहीं और दिखेगी, इस तरह से आपको दिखेगा, यानी सेकंड नंबर आंसर आएगा. फिर है, तो ये आप कौन से शेप में दिखेगा, कप प्लेट है. तो कप प्लेट साइड से तो आपको इस तरह से दिखेगा कि आपका कप का एक शेप दिखेगा कि ये कप है और यहाँ पे एक प्लेट टाइप का है, राइट. ऊपर से आप देखोगे तो कैसा दिखेगा, तो ऊपर से आप देखोगे तो आपको डबल सर्कल दिखेगा, एक अंदर सर्कल होगा चाय का भरा हुआ, फिर ये सर्कल, और तीसरा आपको ये सर्कल दिखेगा प्लेट का, यानी फर्स्ट सेकंड, और आपको ये थर्ड सर्कल आपको किस में दिखेगी, चाय के कप में दिखेगी, राइट. तो इस तरह का कुछ व्यू दिखेगा, यानी आपको इसको इसके साथ देन इसके साथ मैच करना है. डी का आंसर क्या आएगा, फिफ्थ एंड देन थर्ड. फिर है कंटेनर है, टेल का कंटेनर जो होता है वो, तो उसको आप रखोगे तो आपको कुछ ऐसे रेक्टेंगल टाइप के बॉक्स जैसा दिखेगा साइड से देखोगे तो, लेकिन ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, क्योंकि ऊपर एक राउंड होगा जहाँ से आप तेल निकालते हो डब्बे के ऊपर, इस तरह का कुछ कंटेनर आपको इस शेप में दिखेगा. तो यहाँ पर देखोगे तो ऐसा दिखेगा, देन ऐसा. तो ये जो व्यूज थे, ये घर पर आपके नॉर्मली आपको ये सारी चीज़ें आपको घर पर मिल जाती हैं, तो एक काम करना, इसके साइड व्यूज़ और इसके टॉप व्यूज़ एक बार आप चेक करके देख लेना कि कैसा दिखता है. अगर आप चेक करोगे तो आपको इस तरह का कुछ व्यू देखने को मिलेगा. नॉर्मली आपके घर पर कप कंटेनर ये तो आपको मिल जाएगा, और शॉपकीपर के पास ये चीज़ होती है, तो आप एक बार देखना ऊपर से या साइड से कि इसमें शेप में क्या चेंजेस होते हैं, जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करके लिखे हैं. तो आप एक बार ऑब्जर्व करोगे तो आपको इस तरह का कुछ रिजल्ट आपको भी मिलेगा, राइट. तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू. कॉरस्पॉन्डिंग अ टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू, आपको जो भी पिक्चर्स दिए उसके अलग अलग व्यूज़ ड्रॉ करने हैं. पहला अलमीरा दिया हुआ है, अलमारी जो होती है, कबर्ड होता है, वो दिया है. अब उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, वो सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करनी है. तो आपको खुद करनी है
तो ये ड्रॉ करने के लिए आपको फर्स्ट थिंग कि आप खुद ऑब्जर्व करोगे तो अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका कबर्ड है, तो आप घर पे भी आपके घर पे अलमीरा या कबर्ड होगा तो आप एक बार देख के कर सकते हो। ये है आपका फ्रंट व्यू, फ्रंट में आपको देखोगे तो आपको ऐसे एक रेक्टेंगल का बॉक्स और उसमें जो एक मिरर होता है वो आपको दिखेगा और एक हैंडल दिखेगा। लेकिन अगर वही चीज़ आप साइड व्यू देखते हो तो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा जहाँ पे आप सामान रखते हो, और अगर टॉप व्यू देखोगे तो आपको सिर्फ ये रेक्टेंगल बॉक्स दिखेगा, नीचे का कोई पार्ट आपको दिखेगा नहीं, राइट। तो इस तरह से कुछ आपको दिखेंगे। तो आपके घर पे भी कबर्ड है, एक बार आप उसको हर तरह के व्यू से एक बार ट्राई करके देखना। उसके बाद है मैच बॉक्स, ईजिली आपको मिल जाएगा तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, मिसयूज़ नहीं, यूज़, राइट। तो उसको भी आप देख सकते हो कैसे देखना है। तो यहाँ पर मैच बॉक्स का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू दिया हुआ है। तो फ्रंट व्यू क्या है, जहाँ से आप ओपन करते हो, टॉप व्यू में आपके मैच बॉक्स का पिक्चर होता है वो होगा, एंड साइड व्यू के अंदर आपके जो लाइनिंग से आप जिस साइड से चलाते हो वो होगा। ये रहा हमारा सारे व्यू हमने ड्रॉ किए, वो आपको भी नोट के अंदर ड्रॉ करना है अच्छे से और बताना कि ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। उसके बाद है हमारा टीवी, तो टीवी आपको अलग अलग शेप में कैसे दिखती है वो बताया हुआ है। तो फर्स्ट ये फ्रंट व्यू है, हमें टीवी ऐसे ही दिखती है, सामने से हम यही देखते हैं, हमें साइड का जो पार्ट होता है ये कॉर्नर का दिखता नहीं है जब आप देखते हैं, हमें यही पार्ट दिखता है, राइट। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हुआ। अगर हम साइड से देखते तो हमें ये शेप दिखता है जो टेढ़ा मेढ़ा जाता रहता है, टीवी के पीछे का पार्ट वो दिखता है। अगर हम टॉप से देखते तो हमें ये दिखता है और उसके बाद स्लॉप डाउन होता है और एक ये। तो इस तरह का कुछ व्यू आपको टीवी का भी अलग अलग देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद है फोर व्हील कार। अब कार नॉर्मली आपको देखने को मिल जाती है तो इसके भी अलग अलग व्यूज़ आप खुद कर सकते हो। अगर आप आगे से देखोगे तो आपको जो ड्राइविंग सीट होती है वो दिखेगी, और तो वो आपका फ्रंट व्यू हुआ। साइड व्यू के अंदर आपको पूरी कार इस तरह के शेप में दिखेगी, तब आपको आगे का फ्रंट सीट नहीं दिखेगा, साइड सीट दिखेगी। और अगर आपके पास ऊपर का टॉप व्यू दिखता था बिल्डिंग के ऊपर से कहीं से भी देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखता है फोर व्हील, राइट। आपको कांच दिखता नहीं है प्रॉपरली, ये व्यू आपको दिखता है। तो इस तरह से आपको कार के अलग अलग व्यूज बनाने हैं और लिखने हैं, राइट। तो आपको ये बताना था कि इसमें से कौन कौन से फ्रंट व्यू है, कौन सा साइड व्यू है। तो ए के अंदर फर्स्ट जो है साइड व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। सेम बी के अंदर तो फ्रंट व्यू हमारा कौन सा होगा, ये हमारा साइड व्यू और टॉप व्यू। तो आपको ऑलरेडी इस पर लिखा हुआ है लेकिन आपको फिर से बताना है कि कौन सा है, राइट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच सॉलिड शेप आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और सॉलिड व्यू। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा व्यू कौन सा है। तो आपको तीनों पिक्चर्स आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है। तो फर्स्ट में, फर्स्ट का फर्स्ट जो है वो फर्स्ट में क्या है, टॉप व्यू है, ये आपका क्या आएगा, ये टॉप व्यू। उसके बाद है फ्रंट व्यू और उसके बाद है साइड व्यू। अब देखते हैं सेकंड पिक्चर। तो सेकंड पिक्चर के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला पिक्चर आपका साइड व्यू है। आप साइड से देखोगे तो ये वाला पार्ट दिखेगा 2, फिर 3 पार्ट कब दिखेगा, फ्रंट व्यू में एंड टॉप व्यू में आपको इस तरह का पूरा बॉक्स दिखेगा। सेम सी के अंदर भी आपको टॉप व्यू में कितना दिखेगा, एक ही बॉक्स दिखेगा और ऐसे शेप में दिखेगा। फिर सेकंड पिक्चर किसका है, साइड व्यू का एंड देन फ्रंट व्यू का। तो आपको ये बताना है कि कौन से व्यू का कौन सा है। यहाँ पे आंसर्स है, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आंसर्स लिख सकते हो, राइट। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, और आप खुद एक बार ऑब्जर्वेशन करके भी आंसर लिख सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। अब ये जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए उसके सारे व्यूज आपको ड्रॉ करने हैं। एक नट हैंड दिया है, एक टेबल है, एक डायस है, एक क्यूबॉइड है, सॉलिड है, फ्रंट है एंड सॉलिड है, ये सबके पिक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट है मिलिट्री टैंक, तो आपको फ्रंट व्यू कुछ ऐसा, आगे से देखोगे तो आपको सिर्फ एक ट्राइंगल शेप दिखेगा, साइड व्यू देखोगे तो सिर्फ आपको यही पिक्चर्स दिखेंगे और टॉप से देखोगे तो आपको ये दो ट्राइंगल इस तरह के स्लॉप्स दिखेंगे। इसी तरह से आपको टेबल में भी सेम, आगे से देखोगे तो आपको यही शेप दिखेगा, राइट। तो इस तरह से आपको अलग अलग व्यू, साइड व्यू में भी आपको यही दिखेगा एंड फ्रंट व्यू में आपको ये ऊपर का रेक्टेंगल शेप दिखेगा। तो आपको अलग अलग शेप्स ड्रॉ करने और बताने कि सॉलिड शेप के अंदर फ्रंट व्यू कौन सा है,
साइड व्यू कौन सा है, राइट। तो ये था, फिर से आपको ये पिक्चर्स दिए हुए, इसका भी आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, लिखना है। हेक्सागन ब्लॉक है, तो ब्लॉक को अगर फ्रंट से देखो तो आपको हेक्सागन शेप दिखेगा, ऊपर से आपको कुछ इस तरह का शेप दिखेगा, साइड से ये दिखेगा। डायल है, हर साइड से इक्वल दिखेगा, बस नंबर्स चेंज होंगे, शेप आपका सेम रहेगा। सॉलिड शेप में भी इसी तरह का कुछ पिक्चर्स आपको दिखेंगे। तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 10.1, यहाँ पर फिनिश हो रहा है। और इस तरह का कुछ है पिक्चर्स जो आपको नोट में खुद ही ड्रॉ करना है और बताना है, ठीक है। मैंने पूरी एक्सरसाइज समझा दी है, तो आपको ड्रॉ करना है, पेंसिल का यूज़ करना है प्रॉपरली, जहाँ पे पेन वर्क है नेम्स के लिए आप पेन यूज़ कर सकते हो, बाकी पूरी ड्रॉइंग आपको पेंसिल से कंपलसरी करनी है। और यहाँ पे आपका एक्सरसाइज नंबर 10.1 फिनिश हुआ, नेक्स्ट वीडियो में 10.2 स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।